गैस ये हमारी चाय आ चुकी है। क्या नजारा है, चोमू लग रहा है ना सब। अच्छा लोग रेडी हो चुका है, बाहर बारिश हो रही है या बर्फ गिर रही है, लेट्स सी, देखते हैं जाकर। बर्फ हो रही है, बहुत सुंदर व्यू है, पूरा बुद्धिस्टिक्यू। गाइस हम लोग निकले हैं अभी बाहर घूमने जाएंगे, पता नहीं कहाँ का जाएगा। हल्का हल्का स्लो हो रहा है, हल्का हल्का हो रहा है। अभी हम लोग जा रहे हैं नवाकपुरा स्ट्रीट। पहले मोनेस्ट्री जाने से पहले नाश्ता करेंगे, ब्रेकफास्ट। उसके लिए हम लोग आए ये धर्मा कॉफी हाउस में, रुको मैं दिखाती हूँ। बहुत ही सुंदर से बनाया हुआ है धर्मा कॉफी हाउस, माने भी लगाया हुआ है बाहर में। गाइस अगर आप तवांग आते हो तो मैं श्योरली ये जगह रिकमेंड करूँगी आप लोग को आने को। हम लोगों ने बस गूगल में देखा था, तो हम लोगों ने सोचा चलो यहीं पे हम लोग ब्रंच कर लेते हैं। तवांग मोनेस्ट्री जाने के रास्ते में ही पड़ता है, यहाँ का कॉफ़ी भी बहुत अच्छा था और जो भी हम लोगों ने खाने में मंगवाया था सभी अच्छा था। -2 डिग्री चल रहा है यहाँ पे वेदर अभी, लेकिन धूप मजे से आया है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये आ गया हमारा कॉफ़ी और हम लोगों ने क्या क्या खाया था उसके लिए मैंने सेपरेट शॉर्ट वीडियो बनाया है, तो यू कैन वॉच दैट। हम लोगों ने खा लिया है पेट भर के, ये हाल हमारा टेबल का भी। तो हम लोगों ने ब्रंच कर लिया है सीधा, अभी हम लोग मोनेस्ट्री की ओर जा रहे हैं। हल्का हल्का बर्फ हो रहा है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है गाइस। बादल पूरे घिरे हुए हैं चारों तरफ से, हल्की हल्की बर्फ हो रही है, ब्यूटीफुल। ये हमारी सीधी रानी भाग भाग के जा रही है, फिर मेरा वेट भी करेगी अभी ये देखो मैंने कहा था ना। तो जिस मोनेस्ट्री में अभी हम लोग आए हुए वो तवांग मोनेस्ट्री है। ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है और वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है। फर्स्ट लार्जेस्ट मोनेस्ट्री जो है वो चाइना में है, और ये मोनेस्ट्री इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री भी है। 1680 में ये फाउंड हुआ था मोनेस्ट्री, 5th दलाई लामा ने फाउंड किया था इस मोनेस्ट्री को। अभी हम लोग बटर लेम जलाने जाएंगे, बट अवेलेबल नहीं था, बंद था, क्योंकि वहाँ के जो लामा लोग थे उस वक्त खाना खाने गए हुए थे। जस्ट लुक एट द व्यू गाइस, इतना सुंदर लग रहा है। हम लोग 3000 मीटर ऊपर थे, जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा हाँफ भी रही थी। और ये हमारी सीधी रानी थक चुकी थी चलते चलते, इसलिए मैंने उसे पीछे उठा लिया अपने पीठ में। ये है मेन गोनपा का एंट्रेंस, इसमें अभी हम लोग अंदर जाएंगे। जैसे ही हम लोगों ने मोनेस्ट्री के अंदर एंटर किया, एक अलग ही पॉजिटिव और पीस वाली वाइब आने लगी थी, बहुत ही ज़्यादा शांति था वहाँ पे। बट मेरी ये खांसी ने अशांति ज़रूर फैला रखी थी। ये एकदम बड़ा शहर का आइडल गौतम बुद्ध का, जिनका असली नाम सिद्धार्थ गौतम था। ये और भी बहुत सारे आइडल्स थे यहाँ पे, और ये आगे ऑफरिंग्स थे जिसमें पानी चढ़ाया हुआ था, 7 बाटी थी और बहुत तरीके के ऑफरिंग्स, जैसे कि जूस, बिस्किट्स, बहुत तरीके के। अभी हम लोग सीढ़ियों में से ऊपर जा रहे हैं आइडल को ऊपर से देखने के लिए। बहुत ऊंची ऊंची सीढ़ी थी यहाँ की, उससे देखकर ही पता चल रहा था कि बहुत पुराना मोनेस्ट्री है। बहुत ही ज़्यादा बड़ी मूर्ति है ये, हम लोग फर्स्ट फ्लोर से देख रहे हैं तो भी हम लोग को पूरा एकदम सीधा दिख रहा है। और यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जो बुद्ध भगवान के हाथ में जो बाटी है उसमें अगर हम लोग कुछ विश मांगकर सिक्का डालते हैं तो हमारी वो विश पूरी होती है, अगर वो बाटी के अंदर हमारा सिक्का चला गया तो। ये है व्यू, अभी हम लोग पूरा राउंड लगाएंगे। जैसे हम लोग नॉर्मल मंदिर में फेरी लेते हैं वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी फेरी लगाएंगे क्लॉकवाइज। यहाँ पे छोटा छोटा और भी बुद्ध भगवान की मूर्ति रखी हुई है। अंशु का कॉइन वहाँ से नहीं गया था इसलिए वो यहाँ से ट्राई कर रहा है, और ये इसका गया। क्या बोला था? ये फर्स्ट फ्लोर से ऐसे दिखती है स्ट्रेट बुद्ध भगवान की मूर्ति। अब हम लोग नीचे आ गए हैं, नीचे भी हम लोग एक राउंड पूरा लगा के यहाँ से निकलेंगे। अभी हम लोग
मंदिर से तो आ गए, मोनेस्ट्री से आ गए, अभी हम लोग इस म्यूजियम में जा रहे हैं। ये म्यूजियम के अंदर आ गए हैं। पर पर्सन 20 रुपीज़ लगा था। ये पुराना मोनेस्ट्री कैसा दिखता था उसका पिक्चर यहाँ पे लगाया हुआ है, और बहुत सारे पुराने फेस मास्क और भी जो पुराने पुराने सामान थे वो सब रखा हुआ था मोनेस्ट्री में। मैंने इतना डिटेल्स में कवर नहीं किया है, बस ऐसे ही मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। इस साइड में किताबें थे, पुराने प्लेट्स थे, और ये टेबल क्लॉथ था जो पूरा देख के पता चल रहा था कि बहुत पुराना है। फिर एप्रोन भी रखा हुआ था, 3-4 तरीके के एप्रोन्स थे, और ये मैट था, रेड कारपेट। फिर यहाँ खाना बनाने के यूटेंसिल्स थे जो उस वक्त में यूज़ किए जाते थे, हालांकि अभी भी यूज़ किए जाते हैं ये सब, बट उस समय का बहुत भारी भारी था। ये एबकस था, गोलियाँ भी थी पुराने ज़माने की, और यहाँ पे राजा की ड्रेस, बंदूक, ये 300 और 350 ईयर्स पहले की बड़ी बड़ी हांडी थी। बहुत सारे बड़े बड़े केटल थे चाय ये सब सर्व करने के लिए, और यहाँ बहुत सारे पुराने पिक्चर्स भी पेस्ट किए हुए थे। ये 1959 का पिक्चर है, और भी बहुत सारे पुराने पुराने पिक्चर्स थे। मोनेस्ट्री से बाहर निकल गया म्यूजियम से, बर्फ हो रही है हल्की हल्की, यहाँ से हम व्यू देखते हैं। वेट, क्या नज़ारा है दोस्तों, आप देखिए ज़रा। ये मोनेस्ट्री से निकल रहे हैं, वो स्टैचू कहाँ गए, स्टैचू के पास जाएंगे। सो गाइस, ये रहा तवांग मोनेस्ट्री जहाँ से हम लोग गए, और ये रहा स्टैचू। दूर से तो बड़ा दिखता ही है, सामने से और बड़ा है। इसके पास ही ये तवांग व्यू पॉइंट है, सो इसलिए अभी हम लोग यहाँ पे पिक्चर क्लिक करेंगे। काफी सुंदर नजारा है, बट फोग के कारण इतना अच्छा पिक्चर नहीं आ रहा। हम ये मेरी सिद्धि है, और यहाँ बर्फ हो रही है, स्नोफॉल हो रहा है बहुत ज्यादा। अभी हम लोग बस राम लगा रहे हैं अभी ऐसी तवांग का, क्योंकि अराउंड 5:30 हमें वार मेमोरियल जाना है। उससे पहले अभी हम लोग कुछ खाएंगे, बिकॉज इट इज़ टू कॉल्ड हियर, तो हम लोग को भूख लगी हुई है। स्नैक्स खाने के लिए आए यहाँ पे। हम खा रहे हैं चाउमीन, जिसका क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। वार मेमोरियल जाने के लिए अपन निकल गए हैं। एक्चुअली में यहाँ पे शो होता है 5:30 से, उसमें आर्मी वाले लोग शो दिखाते हैं। आई डोंट नो एक्चुअल में क्या शो होता है, मतलब बेसिकली वो वार के रिलेटेड ही होता होगा, सो हम वही देखने जा रहे हैं। गाइस, हम पहुँच तो गए, बट बहुत ज़्यादा भीड़ है। हम लोग वार मेमोरियल के अंदर नहीं गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ था। तो अभी हम लोग शायद वापस जाएंगे, अंधेरा भी हो गया है, ठंड भी बढ़ रही है। ये वार मेमोरियल का जहाँ शो होता है उसके आगे ही छोटा सा शॉप है, तो इसके अंदर चल के देखते हैं कि क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे। बहुत ही वैरायटीज ऑफ आइटम है यहाँ पे, गिफ्ट आइटम्स या आप घर पे डेकोरेट करने के लिए भी बहुत सुंदर सुंदर सामान है। जो दी और सिद्धि अपनी ही खोजबीन में लगी हुई है। वाओ, ये कान्हा जी की इतनी सुंदर लग रही है मूर्ति, राधा जी कान्हा जी की। हम लोग ये होली वाटर ले रहे हैं चुम्मे गेट से की, और साथ साथ में की रिंग भी लिया। ये है तवांग वार मेमोरियल, उन शहीदों के नाम जिन्होंने अपने जान जोखिम में डाल के हमें सुरक्षा दी, सो अ बिग सल्यूट टू देम। हम वापस होटल आ चुके हैं, चाय पी रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी है यहाँ पे। शक्ल दिखा दो ना गाइस, ठंडी लग गई है गाइस, बोल दो ना सीधी। ठंडी लग गई है गाइस, हमको भी अलग। तेंदुले आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।
वीडियो एंड करने से पहले आप लोग थोड़ी इन दोनों की नोटिंग भी देख लीजिए।